नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन चैनल परीक्षा प्लस में। कैसे हैं सभी? अभी यूपी SSSC के द्वारा एक नई वैकेंसी आई है, 530 पदों पे सहायक लेखाकार और लेखाकार परीक्षक के पदों पे। 529 पद आपके परीक्षक के हैं और एक पद आपके सहायक लेखाकार के हैं। मैं सारी डिटेल आपको यहाँ पे देता हूँ। बस इसमें एक चीज रहती है कि 400-500 पद के लिए निकालते हैं, तो कहीं ना कहीं एक बात दिमाग में आता है कि बार बार वही बच्चे, जो एक ही बच्चा जो होता है परीक्षा में बैठता है। हालांकि इसमें थोड़ी सी अर्हताएं अलग है, और अर्हता इसमें यह है कि इसमें जो बच्चे हैं उनके पास अकाउंटेंट होना अनिवार्य है। अकाउंटेंट से उनके पास क्या होना चाहिए? डिग्री होना चाहिए, डिप्लोमा होना चाहिए। सबको मैं पढ़ के बता दूं, पहले बताता हूं कि विज्ञापन के प्रकाशन की तिथि आज की ही तारीख है। उसके बाद ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा करने जो प्रारंभ होगी वो 11 तारीख से होगी। ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा, आवेदन सबमिट करने की जो अंतिम तिथि है वो 1/8 है, इस बात को ध्यान देना, 1 अगस्त है। और जो शुल्क समायोजन में अवधि में संशोधन होगा वो 8/8 होगा। तो ये इंपॉर्टेंट डेट है। बाकी आप ये देख लो इसमें कि आपके पास पद कितने हैं। तो जो टोटल पद है वो 530 है, जिसमें अगर आपका देखा जाए तो 529 पद आपका किसका है? लेखाकार परीक्षक का है। किसका है? 529 पद जो है वो आपके लेखा परीक्षक का है, ठीक है, लेखा परीक्षक का है। और एक पद आपके सहायक लेखाकार का है, ठीक है, इस बात को ध्यान देना। इसके बाद जो आपकी अर्हताएं हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं, फिर हम बाकी डिटेल देंगे। बाकी डिटेल यूपी SSSC की परीक्षा में मेरे ख्याल से अब आप लोग इतना समझ में आ गया होगा। हर महीने ये 200-300 पद पे एक ना एक स्पेशल वैकेंसी निकाल देते हैं, और इसके अतिरिक्त भी कुछ स्पेशल और भी वैकेंसी आने वाली हैं। लेकिन एक बात समझिएगा कि यहाँ पे वही बच्चा बार बार बैठता है जो पीटी में टॉप परसेंटाइलर होता है, तो यहाँ पे अन्य बच्चों का क्या हो जाता है? नुकसान हो जाता है। और सबसे बड़ी बात है कि सरकार इस दिशा में कुछ देख भी नहीं रही है। इनका एक जो चरण है कि पहले 25-25 रुपए इनसे करके क्या करवा लो, सारे बच्चों से रजिस्ट्रेशन करवा लो, उसके बाद क्या करेंगे, बच्चे शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे। तो इन्होंने चालाकी से ये तो कर दिया कि हाँ भाई एक ही बच्चा बार बार पीटी वाला बैठेगा, लेकिन पैसे सबसे लेना, एक ही बच्चे से बार बार पैसे नहीं लेंगे, पैसे ये सारे ही बच्चों से लेंगे। और इसलिए ओपन टू ऑल, सभी लोग इसमें क्या कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद आपकी शॉर्ट लिस्टिंग होगी। और इसका एक चीज अलग है, अभी तो इसका सिलेबस अलग से नहीं दिया है, बट इधर देखा गया है जो भी स्पेशल पोस्ट वाली वैकेंसीज हैं उनके सिलेबस क्या है अलग से कर दिए गए हैं। लेकिन ये भी देखिएगा कि ऐसे पद जो सालों से नहीं आए थे उनके तो नए सिलेबस हैं, ऐसे पद जो इससे पहले आए हैं उनके सिलेबस में बदलाव ज्यादा नहीं हुआ है, बट इसके सिलेबस में बदलाव, सिलेबस के बदलाव में संभावना है। बट अभी मेरे पास कोई पक्का जानकारी नहीं है, इसलिए आप थोड़ा सा यहाँ पे संयम रखिएगा। जो भी जानकारी होगी मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा, ठीक है, इस बात को समझिएगा कि सिलेबस में चेंज होगा या नहीं, अभी इसके लिए थोड़ा सा होल्ड करते हैं, ठीक है। पदों के विवरण के बारे में आपने देख ही लिया है, अब ये देख लेते हैं कि टोटल इसमें अलग अलग विभागों में पद है। जैसे निदेशक, जो स्थानीय निधि लेखा परीक्षक विभाग है, उसमें क्या है, उसमें 63 पद है अनारक्षित के। टोटल अगर पद आप देखोगे तो 138 पद है, स्थायी पद है। लेकिन एक चीज ध्यान देना कि निदेशक स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग उत्तर प्रदेश प्रयागराज यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पे सिलेक्ट होने पे आपको केवल प्रयागराज में ही नौकरी मिलेगी। आप विभिन्न जनपदों में जहां जहां इन विभाग के कार्यालय हैं वहां पे हो सकते हो, इसका मतलब नहीं कि केवल आपका प्रयागराज में। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, इसलिए मैं आपको बता दूं, सहकारी समितियां एवं पंचायत लेखा परीक्षा निदेशालय उत्तर प्रदेश लखनऊ, वेतन बैंड सबका आपका सेम है, कुछ वेतन बैंड अलाउ नहीं, एक ही टाइप की परीक्षा है, लेखा परीक्षक है। इसमें आपके देखा जाए तो सबसे ज्यादा पद है 391 और ये भी स्थायी है। ये जो आपका उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग लखनऊ है, इसके लिए एक पद है और वो भी अनरिजर्व में अस्थायी बोला गया, बट अस्थायी मतलब ये नहीं, ये आपका दो साल प्रोबेशन के बाद क्या होता है, स्थायी हो जाता है। तो कुल योग आपका जो आएगा वो 530 आएगा, यही आपका जो है यहाँ पे ये सहायक लेखाकार वाला है, यहाँ उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग लखनऊ में, ठीक है। इसके बाद अगर हम लोग देख लें कि इसमें आपसे मांगा क्या है, ठीक है, आरक्षण संबंधी ये सारी चीजें वही पुरानी है। ये देख लो कि आपके पास अर्हता क्या होनी चाहिए, तो अर्हता आपके पास अभ्यर्थी भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से वाणिज्य में स्नातक होना चाहिए, मतलब आपके पास अकाउंटेंसी की डिग्री होनी चाहिए, बीकॉम वगैरह होना चाहिए, अकाउंटेंट होना चाहिए, या उपाधि या लेखा कर्म स्नातकोत्तर डिप्लोमा और कंप्यूटर में ओ लेवल, इसके साथ आपको ओ लेवल चाहिए। या तो आप क्या हो वाणिज्य में स्नातक हो कॉमर्स में, या फिर आप क्या हो उपाधि या फिर लेखा कर्म स्नातकोत्तर डिप्लोमा होना चाहिए, और इसके साथ भी आपका ओ लेवल चाहिए, ओ लेवल नेसेसरी है, ये समझिएगा। बाकी अधिमान्य अर्हता जैसे होता है प्रादेशिक सेना वाला और राष्ट्रीय कैडेट कोर भी प्रमाण पत्र उनको मिलता ही मिलता है, सारी वैकेंसीज में अधीनस्थ की मिलती है।
अनिवार्य अर्हता इसकी देखो, इसका भी लगभग सेम है। भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय में वाणिज्य में स्नातक की उपाधि अथवा अकाउंटेंसी में स्नातकोत्तर डिप्लोमा, ठीक है। उसके बाद सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्था से कंप्यूटर संचालन में ओ लेवल का प्रमाण पत्र। इन्होंने समकक्ष भी नहीं लिखा है, इन्होंने साफ साफ लिखा है कि हमें ओ लेवल ही चाहिए। लेकिन गवर्नमेंट गवर्नमेंट के आधार पर अभी जो अभी जियो आई आया था, है ना, जो जियो था वो ओ लेवल के समकक्ष बहुत सारे को यहाँ पे माना था, लेकिन वो यूपीपीएससी का था, यूपी ट्रिपल एससी की तरफ से कोई ऐसा जियो नहीं है। बट शासन की तरफ से जियो था तो वो यूपीपीएससी में भी और यूपी ट्रिपल एससी दोनों जगह मान्य हो सकता है, इस बात को समझिएगा। अधिमानी अर्हता वही है। अनिवार्य अर्हता जो इसके लिए है, आपके लिए सहायक लेखाकार के लिए, ये भी आपका सेम है। भारतवर्ष में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय में कॉमर्स में स्नातक की उपाधि अथवा सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान के अकाउंटेंसी में स्नातकोत्तर डिप्लोमा, और यहाँ पे भी आपका ओ लेवल चाहिए, मतलब तीनों में आपकी समकक्षता सेम है। अब रही बात इसकी सिलेबस, तो चयन का आधार तो आपका लिखित ही होगा। समूह गाका है, प्रश्नगत पदों पर चयन उत्तर प्रदेश समूह गा के पदों के लिए सीधी भर्ती, नीतिम प्रक्रिया अनुभाग दो के अनुसार होगा कार्मिक अनुभाग, और ये आपका सारी चीजें सेम रहती है। परीक्षा योजना क्या होगा, लिखित परीक्षा है तो परीक्षा योजना पाठ्यक्रम तथा परीक्षा तिथि के संबंध में यथासंभव प्रत्यक्ष से सूचित किया जाएगा। इसमें अभी तक दिया नहीं है, ये आपको अलग से देगा। तो इतनी जानकारी आपके लिए मोर देन सफिशियंट है। फॉर्म भरना आप लोग चालू कर दीजिएगा, और जो बच्चे जिनके पास अकाउंटेंट से डिग्री है वो अपनी तैयारी भी शुरू कर दीजिएगा, क्योंकि अकाउंटेंट वाले कम मिलते हैं, इस बात को ध्यान दीजिएगा। तो जितने बच्चे अकाउंटेंट वाले हैं वो सब लोग 25 रुपए का ये ना सोचेगा कि गवर्नमेंट को हम दे रहे हैं, हमारा फालतू नुकसान हो रहा है। 25 आप बचा भी लोगे तो कोई बहुत ज्यादा फायदा नहीं होगा, एक बार हो सकता है शॉर्टलिस्टिंग में आ ही जाए। इतना मैं आपको पहले से अनुमान बता दूं कि बहुत ज्यादा फॉर्म नहीं आएंगे, 80-90 हजार फॉर्म मैक्सिमम आएंगे, ठीक है, एक अनुमान है। बाकी हो सकता है ज्यादा भी चला जाए तो वो देखा जाएगा, बट जो एक अनुमान है 80-90 हजार 1 लाख तक फॉर्म आएगा। और अगर आप पीटी में पीटी यहाँ पे अगर 500 पद है तो 500 का लगभग 20 गुना बुलाया जाएगा, तो 500 के 20 गुना पे अगर देखा जाए तो 5×10 है ना, और उसका भी आप 4-5 गुना और ले जाएगा, क्योंकि परसेंटाइल के दो अंक पे कई सारे बच्चे क्या होते हैं, रिपीट होने लगते हैं, तो ज्यादा ही होते हैं। बोलता है वो आपका क्या 15×20 बट वो ज्यादा हो जाता है। तो इस हिसाब से लगभग 25-30 हजार बच्चे हो सकता है शॉर्टलिस्ट किए जाए लगभग 500 पद के लिए, ठीक है, इस बात को दिमाग में रखिएगा। तो भर दीजिए, अगर 1 लाख फॉर्म में 25 हजार बच्चे शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे तो हो सकता है कि परसेंटाइल काफी नीचे आ जाए। बाकी इसके लिए एक अलग से वीडियो बना दूंगा। अभी इस वीडियो में इतना ही। चैनल पर अगर नए हो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा, बाकी कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में हमसे अवश्य पूछ लीजिएगा। फिर मिलते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, बहुत बहुत आभार।